एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो आज यहाँ पर वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये होने वाला है मैच नंबर 5 और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में इस मैच के बारे में मिलेगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है ना ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप के जो अपने मैच है बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर ही आपको फाइनल टीम मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मुकाबला है स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे दोपहर में। और मैच के लिए टीम न्यूज़ की बात कर लेते हैं पहले, तो शुभमन गिल जो है मोस्ट लाइकली मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि इनको डेंगू हुआ है और ये यहाँ पर इनको बीमारी की वजह से ये आज का मैच मिस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड है, ये तो कम से कम ये मान के चलो आधा टूर्नामेंट मिस करेंगे, तो इनको भी ये भी नहीं खेलेंगे। मैच कहाँ है आज? मैच होने वाला है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चैपॉक चेन्नई में, मतलब चेन्नई में मैच होगा। और ये जो विकेट है ना, देखो इनिशियली तो यहाँ पर बैटिंग के लिए हेल्प रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा ना स्पिनर्स यहाँ पर गेम में आएंगे और स्पिनर्स का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एवरेज स्कोर 250 से 300 बनता है। लास्ट जो 3 ODI के मैच यहाँ पर हुए ना उसमें से 2 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 1 मैच हेज हुए हैं। अब जो लास्ट 3 मैच हुए उसमें आप देखो, फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 6 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 8 विकेट है, स्पिनर्स को 11 विकेट है। मतलब सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है फर्स्ट इनिंग में। तो फिर भी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है विकेट फ्रेश रहता है तो स्टार्टिंग में बॉल उतना स्पिन होता भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो स्पिनर्स का रोल बढ़ेगा। अब देखो इंडिया की टीम की पहले बात कर लेते हैं, तो इंडिया की तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन करेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन, क्योंकि गिल तो यहाँ पर नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से, आज बिल्कुल चांस नहीं है। रोहित शर्मा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको खेलना पसंद है, 43 मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2332 रन और 59 का शानदार एवरेज है। लेकिन चेन्नई पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, 7 मैच में 140 रन और मात्र 23 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 56 है, 53 है, 0 है, 9 बैटिंग है और 81 है। तो मतलब लास्ट की जो 5 इनिंग इन्होंने खेली है ना उसमें से 3 में इन्होंने 50+ स्कोर किया है, तो फॉर्म तो इनका बढ़िया है। ईशान किशन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्रगल किया है, 3 मैच में 52 रन है और मात्र 17 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर कोई मैच नहीं खेले, रिसेंट फॉर्म 33-5-23 नॉट आउट 18 और 31 है, तो ठीक ठाक सा ही रिकॉर्ड है। और क्योंकि इनके सामने रहेंगे मिचेल स्टार्क यहाँ पर, जोस हेजलवुड, तो उतना ईजी इनके लिए होना नहीं है रन बनाना। फिर आएंगे यहाँ से विराट कोहली, इनकी बात करूँ मैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 47 मैच में 2228 रन और 53 का बढ़िया एवरेज है। और इस वेन्यू पर भी इनके नाम 8 मैच में 337 रन 42 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देखोगे, 9 बैटिंग 122 नॉट आउट, 3 नो बैटिंग 56 है, तो फॉर्म इनका भी बढ़िया है। श्रेयस अय्यर आएंगे और ये मेरे हिसाब से इस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। हेड टू हेड में आप देखो 9 मैच में 270 रन है। अब आप देखो जो इन्होंने लास्ट ODI भी यहाँ पर खेला था ना उसमें 70 रन किए थे, तो समझ सकते हो आपके स्पिनर का को खेलने का इसका जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। रिसेंट फॉर्म 14, 9 बैटिंग 3 और लास्ट के 2 मैच में फॉर्म भी आ गया था 105 और 48। KL राहुल हैं, इनके नाम हेड टू हेड में 14 मैच में 528 48 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर इनका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, 2 मैच में 38 रन मात्र 19 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 19, 9 बैटिंग 58 नॉट आउट 52 और 26 है। फिर आएंगे यहाँ से हार्दिक पांड्या, हेड टू हेड में 12 मैच में 546 रन 11 विकेट है और वेन्यू पर 2 मैच में 123 5 विकेट है। और हार्दिक पांड्या इस मैच में कैप्टनसी के बहुत अच्छे चॉइस रहेंगे क्योंकि ऊपर से अगर इंडिया के विकेट गिरते हैं ना तो फिर ये पाली को संभालेंगे और बॉलिंग भी ये करवाएंगे, क्योंकि इंडिया यहाँ पर 3 सीमर के साथ ही खेलने वाला है, 3 स्पिनर रहेंगे। रिसेंट फॉर्म 87, 1 विकेट 1 विकेट 5 रन 1 विकेट और 3 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से रवि जडेजा, हेड टू हेड में 42 मैच में 566 रन 34 विकेट है और इस वेन्यू पर 3 मैच में 39 रन 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 3 नॉट आउट 1 विकेट, 13 नॉट आउट 3 विकेट और 35 रन 0 विकेट है। रवि अश्विन यहां पर आपको खेलते नजर आएंगे, हेड टू हेड में 17 मैच में 20 विकेट है और इस वेन्यू पर 3 मैच में 41 5 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट और 3 विकेट है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है ना, आपने देखा होगा इंदौर वाला जो मैच हुआ था, स्ट्रगल कर रहे थे अश्विन के सामने। कुलदीप है, 20 मैच में 29 विकेट है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर भी 3 मैच में 5 विकेट है।
रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट है, तो फॉर्म भी बहुत तगड़ा है इनका। जसप्रीत बुमराह हेड टू हेड में 19 मैच में 26 विकेट, वेन्यू पर 1 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट है। अगर यहाँ पर इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो आप इनको बिल्कुल टीम में रखना क्योंकि ये डेथ में आएंगे, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग करता है तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि फिर हो सकता है कि स्पिनर ज़्यादा काम करके जाएँ। सिराज है हेड टू हेड में 5 मिनट में 6 विकेट, वेन्यू पर 1 मैच में 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 6 विकेट, 1 विकेट है। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी और उसी हिसाब की मेरी टीम है। मैं रखूँगा रोहित शर्मा को, नहीं रख रहा हूँ मैं, ना मैं ईशान किशन को रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दोनों जल्दी जा सकते हैं। मैं रखूँगा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, जडेजा, अश्विन और कुलदीप, मतलब मैं तीनों मेन स्पिनर और हार्दिक, मतलब 4 बॉलर मान के चलो रख रहा हूँ। बुमराह और सिराज को मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि सेकंड बॉलिंग करेगी इंडिया तो ये सिर्फ पावर प्ले में दिखेंगे, उसके बाद में आपको स्पिनर ही ज़्यादातर दिखेंगे, ये एंड में दिख सकते हैं फिर जाके। बेंच पर 4 प्लेयर हैं इंडिया के, इनमें से शार्दुल ठाकुर हैं, हेड टू हेड में 5 मिनट में 13, 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, कुछ खास इनका फॉर्म है नहीं। सूर्य कुमार यादव हेड टू हेड में 6 मैच में 130 रन, वेन्यू पर 1 मैच में 0 रन, रिसेंट फॉर्म 26-50, 72-8 है। सुमन गिल तो खेलेंगे नहीं, वैसे रिकॉर्ड बता दूं मैं आपको, हेड टू हेड में 6 मैच में 268-44 का एवरेज, वेन्यू पर 1 मैच में 37 रन, रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही कमाल का है, 19-121, 27 नॉट आउट, 74-104। मोहम्मद शमी हेड टू हेड में 24 मैच में 38 विकेट, वेन्यू पर 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट है। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे बुमराह, सिराज, अश्विन, डेथ में आएंगे बुमराह, सिराज, पांड्या। सामने जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनकी टीम की बात करें तो यहाँ से ओपन करेंगे डेविड वॉर्नर और मिच मार्श। अब देखो डेविड वॉर्नर की बात करूँ ना तो हेड टू हेड में इसके नाम 25 मैच में 1174 रन और 51 का एवरेज है, बढ़िया रिकॉर्ड है इनका, और वेन्यू पर 2 मैच में 48 रन, सिर्फ 24 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत बढ़िया है, 10, 52, 53, 56, 48 रन, 0 विकेट, तो अगर पहले बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया रख सकते हो आप इनको। मिच मार्श है 10 मैच में 458, 76 का एवरेज, 4 विकेट है, और वेन्यू पर 1 मैच में 47 रन है, रिसेंट फॉर्म 71, 4, 96, 1 विकेट, 31, 2 विकेट है। ध्यान रखना जो प्रैक्टिस मैच हुए थे ना वहाँ पर इन्होंने बॉलिंग भी करवाई थी तो ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी दे सकते हैं। आएंगे यहाँ से स्टीवन स्मिथ, हेड टू हेड में 27 मैच में 1260, 54 का एवरेज, 0 विकेट है। इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, 2 मैच में सिर्फ 1 रन है, रिसेंट फॉर्म 41, 0, 74, 55, 27 रन, 0 विकेट है, तो फॉर्म तो ठीक ठाक है। मार्नस लबूशियन हेड टू हेड में 12 मैच में 360, 36 का एवरेज, वेन्यू पर 1 मैच में 28 रन, रिसेंट फॉर्म 39, 27, 72, 3 नॉट आउट, 1 विकेट और 40, 3 विकेट है। फिर आएंगे एलेक्स कैरी, हेड टू हेड में 19 मैच में 376, वेन्यू पर 1 मैच में 38, रिसेंट फॉर्म 2, 14, 11, 28, 11 है। फिर आएंगे ऐसे मैक्सवेल, ये इस मैच में आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पर मदद रहती है और इन्होंने आपको पता होगा इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में भी ये किया था, 5 रन 4 विकेट, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग करेंगे। हेड टू हेड में 30 मैच में 926, 35 का एवरेज, 8 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 39 रन है, रिसेंट फॉर्म 5 रन 4 विकेट, 5 रन, 77, 1 विकेट है। मार्कस स्टोइनिस हेड टू हेड में 18 मैच में 438, 13 विकेट, वेन्यू पर 2 मैच में 28, 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 10, 1 विकेट, 18, 1 विकेट, 29, 0 विकेट। मिच स्टार्क है, मिचेल स्टार्क की बात करूँ तो यहाँ पर 17 मैच में 26 विकेट, वेन्यू पर 1 मैच में 10 रन, 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 24, 3 विकेट, 0 विकेट। पैट कमिंस है हेड टू हेड में 19 मैच में 26 विकेट, वेन्यू पर 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 21, 1 विकेट, 19, 1 विकेट, 1 रन और 2 रन, 2 विकेट है। एडम जैम्पा इस पिच पर बहुत ही कारगर साबित होंगे और ये बहुत अच्छे स्पिनर हैं भी, इनके नाम आप देख लो, हेड टू हेड में 21 मैच में 34 विकेट इंडिया के खिलाफ और वेन्यू पर भी 2 मैच में 5 विकेट है, रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया है, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, तो इनको ड्रॉप नहीं करना। जोस हेजलवुड है हेड टू हेड में 9 मैच में 12 विकेट, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 23, 1 विकेट और 2 विकेट है। अब यहाँ से अभी के लिए मैं पिक करके चलूँगा, मैं रखूँगा स्टीवन स्मिथ को, मैं सिर्फ रखूँगा मैक्सवेल को, रखूँगा मिच स्टार्क और यहाँ से एडम जैम्पा को रखूँगा। बेंच पर है कैमरन ग्रीन जो खेल सकते हैं मार्कस स्टोइनिस की जगह पे, हेड टू हेड में 6 मैच में 92, 3 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 19, 2 विकेट, 9, 1 विकेट, 34 और 50 नो डाउट है। सीन एबर्ट हेड टू हेड में 6 मैच में 86, 7 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 26, 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 54, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट है। जोस इंग्लिस हेड टू हेड में 3 मैच में 77 रन है, रिसेंट फॉर्म 0, 45, 6, 0, 48 है। ट्रेविस हेड है हेड टू हेड में 8 मैच में 208, 29 का एवरेज, 0 विकेट है, वेन्यू पर 2 मैच में 38 है, रिसेंट फॉर्म 33, 64, 0 विकेट, 38, 2 विकेट और 17 नो डाउट है। स्टार्टिंग का ओवर डालेंगे मिचेल स्टार्क, यहाँ से जोस हेजलवुड, मार्कस स्टोइनिस डेथ में आ सकते हैं, मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड, पैट कमिंस।
एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देख लेते हैं डेमो टीम। डेमो टीम में मैंने अभी के लिए रखा हुआ है KL राहुल, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, श्रेयस अय्यर। ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है हार्दिक पंड्या, ग्लेन मैक्सवेल, जडेजा, अश्विन। और बॉलिंग सेक्शन से रखे मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, एडम जैम्पा। कैप्टन मेरे यहाँ पर हार्दिक पांड्या, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी रहेगी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।